नमस्कार दोस्तों, तो डायमेंसिटी 9200 तीन चार दिन पहले लॉन्च हो गया था। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 और एप्पल A16 ने दोनों के साथ मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि जो डायमेंसिटी 9200 जो लॉन्च हुआ है, एक्चुअली डायमेंसिटी 9000 का अपग्रेड वाला वर्षन है। तो हम देखेंगे कि इस लास्ट वाले एडिशन के मुकाबले ये जो नया वाला डायमेंसिटी 9200 कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी सीपीयू रिलेटेड वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो डायमेंसिटी 9200 ये तो अभी लॉन्च हुआ है, मतलब क्वार्टर 4 2022 पे लॉन्च हुआ है। लेकिन जो 9000 वो एक्जैक्टली लास्ट ईयर के इसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, मतलब क्वार्टर 4 2021 पे लॉन्च हुआ था। तो अगर हम दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, दोनों एग्जैक्टली सेम, क्योंकि दोनों पे आपको मिलेगा 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर जिसका स्ट्रक्चर है 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर। तो अगर हम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर की अगर बात करें, इधर एक्चुअली दोनों के बीच में स्लाइट डिफरेंस मिलेगा। जो डायमेंसिटी 9000 उसमें आपको मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का 4nm आर्किटेक्चर, ये पे जिसका दूसरा नाम है N4 आर्किटेक्चर फ्रॉम TSMC। लेकिन जो डायमेंसिटी 9200 उसमें आपको सेकेंड जनरेशन 4nm का आर्किटेक्चर मिलेगा, ये पे जिसका ऑफिशियल नेम है N4P फ्रॉम TSMC। और मैंने हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन में कहा है कि जब हम दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे उस टाइम पे जिस प्रोसेसर का नैनोमीटर नंबर दूसरे के मुकाबले ज्यादा या फिर कम होगा, उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट बाकी के मुकाबले उतना ही बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में डायमेंसिटी 9200 स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू 9000। तो इसके बाद हम देखेंगे दोनों के कोर टाइप के बारे में। तो इधर दोनों पे आपको मिलेगा 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर। डायमेंसिटी 9200 में आपको मिलेगा एक प्राइम कोर जो कि कोर्टेक्स X3 कोर, उसी जगह पे 9000 पे आपको मिलेगा कोर्टेक्स X2 कोर। जहां पर डायमेंसिटी 9200 में आपको मिल रहा है 3 कोर्टेक्स A715 कोर, उसी जगह पे डायमेंसिटी 9000 में आपको मिल रहा है 3 कोर्टेक्स A710 कोर। और दोनों का जो पावर एफिशिएंसी वाला कोर वो आपको मिलेगा 4 कोर्टेक्स A510 कोर। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत ही अजीब बात है ये कि दोनों का जो स्पीड वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों जनरेशन के बीच में जो प्राइम कोर उसका स्पीड है 3.05 GHz, दोनों के बीच में जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर उसका स्पीड है 2.85 GHz, और दोनों का जो पावर एफिशिएंसी कोर उसका स्पीड है 1.8 GHz। मतलब स्पीड के मामले में दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो इसके बाद हम दोनों के रैम के बारे में बात करें, इधर दोनों ही प्रोसेसर में आपको मिलेगा क्वाड चैनल LPDDR5X वाला रैम। लेकिन फिर भी डायमेंसिटी 9000 में रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था 3750 MHz, उसी जगह पे डायमेंसिटी 9200 में रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4266 MHz। और डायमेंसिटी 9000 में आपको रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ मिलेगा 60 GBPS, और डायमेंसिटी 9200 में रैम का मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ मिलेगा 68.2 GBPS। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट चाहिए उस मामले में डायमेंसिटी 9200 LPDDR5X रैम होने के बावजूद भी बेटर काम कर रहा है। तो इसके बाद हम दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, दोनों भी आपको मिलेगा मिनिमम eMMC 5.1 का सपोर्ट। डायमेंसिटी 9000 में आपको मिलेगा मैक्सिमम UFS 3.1 तक का सपोर्ट, लेकिन 9200 में आपको मिलेगा मैक्सिमम UFS 4.0 तक का सपोर्ट। मतलब इस मामले में भी डायमेंसिटी 9200 स्लाइटली बेटर। तो नेक्स्ट अगर कैमरा सपोर्ट की बारे में बात करें, डायमेंसिटी 9000 में आपको मिला था Imagic 790 वाला ISP, उसी जगह पे डायमेंसिटी 9200 में आपको मिल रहा है Imagic 890 वाला ISP। दोनों पे मिलेगा 320 MP तक का कैमरा का सपोर्ट, लेकिन डायमेंसिटी 9200 में आपको RGBW वाला सेंसर का सपोर्ट नेटिवली आपको मिलेगा जो कि डायमेंसिटी 9000 में एब्सेंट था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कैमरा सपोर्ट में भी डायमेंसिटी 9200 स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू 9000। और अगर हम दोनों की वीडियो कैप्चर की अगर बात करें, पहला जो इंप्रूवमेंट वो आपको मिलेगा डायमेंसिटी 9200 में आपको 8K वीडियो 30 FPS में रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा, लेकिन 9000 में ये वाला फीचर एब्सेंट था। इसके अलावा दोनों पे ही 4K वीडियो 60 FPS और फुल HD वीडियो 120 FPS में रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में भी डायमेंसिटी 9000 स्लाइटली बेटर। और नेक्स्ट अगर हम दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, तो इधर दोनों पे आपको मिलेगा मैक्सिमम 2K+ तक का डिस्प्ले का सपोर्ट, जिसका रिफ्रेश
रेट होगा 144 हर्ट्ज। लेकिन लास्ट बार मतलब डायमेंसिटी 9000 में अगर हम फुल एच डी प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 180 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। लेकिन इस बार अगर कोई ब्रांड फुल एच डी प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करता है तो उसमें मैक्सिमम 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल सकता है। मतलब इस मामले में एक मेजर इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम नेटवर्क सपोर्ट की बारे में बात करें, लास्ट बार डायमेंसिटी 9000 में 5G में डाउनलोड स्पीड मिला था 7 Gbps, लेकिन इस बार आपको मिलेगा 7.9 Gbps। लास्ट बार आपको मैक्सिमम वाईफाई 6E तक का फीचर मिला था, इस बार आपको मिलेगा वाईफाई 7 तक का सपोर्ट। इसके अलावा दोनों पे ब्लूटूथ 5.3, नेविक सपोर्ट और सब 6 GHz तक का 5G का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट बार जो MMI 5G कनेक्शन वो एब्सेंट था, लेकिन इस बार आपको MMI 5G का भी कनेक्शन आपको मिलेगा। इसका मतलब नेटवर्क सपोर्ट में भी इस बार आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन दोनों जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर का मेन डिफरेंस है इस ग्राफिक्स कार्ड के मामले में। जो डायमेंसिटी 9000 उसमें आपको मिलेगा माली G710MC10 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि 840 MHz पे रन कर रहा है। लेकिन जो नया वाला डायमेंसिटी 9200 उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट इमोर्टली सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जिसका मॉडल नेम है G715MC10 वाला ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन इसका स्पीड कितना है उसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। और इसके बाद अगर दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बारे में बात करें, इधर एकदम ध्यान से देखना। तो अकॉर्डिंग टू AnTuTu GPU स्कोर डायमेंसिटी 9000 ने इधर स्कोर किया है 422,000 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9200 ने स्कोर किया है 544,000 के आसपास। मतलब दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 122,000 के आसपास ग्राफिक्स कार्ड में डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि रियल वर्ल्ड में सच में बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर हम GFS बेंच वर्शन 3.0 की बारे में बात करें, उधर डायमेंसिटी 9200 ने स्कोर किया है 326 FPS। एग्जैक्टली सेम बेंचमार्किंग स्कोर पे डायमेंसिटी 9000 ने स्कोर किया है 220 FPS। और अगर वर्शन 3.1 की बारे में बात करें, उधर डायमेंसिटी 9200 ने स्कोर किया है 227 FPS। उसी जगह पे 9000 ने स्कोर किया है 160 FPS। और अगर GFS बेंच का जो 2K वाला एडिशन उसके बारे में बात करें, उधर डायमेंसिटी 9200 ने स्कोर किया है 67 FPS। उसी जगह पे 9000 ने स्कोर किया है 43 FPS। तो मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ऑन पेपर इस दोनों जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड के बीच में एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। और अगर हम दोनों के AnTuTu स्कोर की बारे में बात करें, तो डायमेंसिटी 9000 का AnTuTu वर्शन 9 में स्कोर है 1072,000 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9200 का स्कोर है 1266,000 के आसपास। मतलब दोनों जनरेशन के बीच में 2 लाख का AnTuTu में डिफरेंस आपको मिलेगा। और नेक्स्ट अगर हम गीगबेंच स्कोर की बारे में बात करें, डायमेंसिटी 9000 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 1270 के आसपास। उसी जगह पे डायमेंसिटी 9200 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 1424 के आसपास। तो इसका मतलब सिंगल कोर के परफॉर्मेंस में आपको 150 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब रियल वर्ल्ड यूसेज में भी आपको एक मेजर डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर मल्टी कोर की बारे में बात करें, उस मामले में डायमेंसिटी 9000 ने स्कोर किया है 4300 के आसपास और डायमेंसिटी 9200 ने स्कोर किया है 4470 के आसपास। मतलब मल्टी कोर के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं। और एक स्मार्टफोन में डिफरेंस का ऊपर नीचे होता है स्पेशली सिंगल कोर के परफॉर्मेंस के ऊपर। और उस मामले में हमें इस नए वाले प्रोसेसर में एक मेजर डिफरेंस मिलेगा। और फाइनली अगर हम दोनों की AI परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो लास्ट बार के डायमेंसिटी 9000 में आपको मिलेगा APU 590 वाला AI चिप, इस बार आपको मिलेगा APU 690 वाला AI चिप। मतलब AI परफॉर्मेंस में भी आपको एक अपग्रेड मिलेगा। तो आप बार इस वीडियो के कॉन्क्लूशन की, तो जैसे ही आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट ईयर इस टाइम पे जो लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 9000 उसके मुकाबले इस बार का जो डायमेंसिटी 9200 आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। CPU कोर, GPU कोर, AI, कैमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डिस्प्ले सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, मतलब हर एक मामले में आपको एक प्रॉपर वाला अपग्रेड देखने को मिलेगा। और इस बार जितना मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द जो लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, शायद उसके साथ इस बार का जो डायमेंसिटी 9200 एग्जैक्टली इक्वल हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जैसे ही लॉन्च होगा इसके ऊपर वीडियो में डेफिनेटली आपको लेके आऊंगा। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि अब इसके बाद डायमेंसिटी 9200 के साथ कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।